This is Asif Jafri and you're watching On the Road with Jafri. I love traveling, music, Ali Maula Ali. मेरे शहर के सभी लोग प्यारे हैं, सीधी मारू भले लोग सारे दिलों के शहर. And I love different food. Breaded chicken, is it spicy or is it okay? और आज मैं हूँ इस्तांबुल में और आज मैं आपको दिखाऊंगा 6 मस्ट गो प्लेसेस इन इस्तांबुल तुर्की. तो फिर आ जाए मेरे साथ. सुल्तान अहमद में मौजूद हूँ. आई सोफिया और ब्लू मास्क मेरे बराबर में. इधर से मेट्रो चलती है ये सर. मेट्रो पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कार्ड बनवाना है. ठीक है, कार्ड जो बनेगा वो 13 लेरा का होगा और उसके बाद आप टॉप अप करवाएंगे. जो एक साइड होता है मेट्रो का वो तकरीबन 4 लेरा का वन साइड होता है और 5 लेरा का वन साइड होता है. अब हम जा रहे हैं सुल्तान अहमद से गलाटा टावर. गलाटा टावर जो है क्रक हो, यानी कि 3-4 स्टॉप है यहाँ से. हम यहाँ से लेंगे ट्राम. ठीक है, इस्तांबुल ट्रांसपोर्ट. ये ट्राम का मैंने कार्ड टॉप अप कर लिया, इसमें मैंने 20 लेरा डाल दिए. 20 लेरा में तकरीबन मेरे 4 ट्रिप हो सकते हैं. ठीक है ना, तो अब मैं जा रहा हूँ ट्राम में. कहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको, गलाटा टावर. आ जाए मेरे साथ. गलाटा टावर ये रहा भैया, गलाटा टावर आया था लेकिन इधर ड्रोन नहीं उड़ाने दिया. सिर्फ गलाटा टावर में ड्रोन की इजाज़त नहीं है, बाकी आप इस्तांबुल में आई सोफिया और ब्लू मॉस हर जगह मैंने उड़ाया था ड्रोन, लेकिन इन्होंने उतरवा दिया. तो मैंने क्या किया, नीचे से शॉट ले लिए. ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, ऊपर रेस्टोरेंट है और बहुत बड़ी क्यू है वहाँ पर. गलाटा टावर वॉज बिल्ट एज टावर ऑफ क्राइस्ट इन 1348 और उस जमाने का यह बुलंद तरीन मीनार था. उस्मानिया सल्तनत में यह एक ऑब्जर्वेशन टावर था, यानी इससे यह देखा जाता था कि शहर में कहीं आग तो नहीं लगी. और अब यह एक म्यूजियम है जिसका नाम है गलाटा कुलेसी म्यूजियम. 160-150 लेरा का जो है ना वो टिकट है. तो चलते हैं, जरा कहीं और चलते हैं. वो देखें सुल्तान अहमद मॉस्क है वहाँ पर, उस जगह पे आई सोफिया है, बाकी ये ब्रिज जो है गलाटा ब्रिज है. और जाके करीब से देखते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है. आ जाए. गलाटा ब्रिज पे देखें जितने भी लोग हैं ये सारे मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ पे. और क्या है, यहाँ से ऊपर से आप खूबसूरत नज़ारा भी कर सकते हैं और लोग मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं. ये इन्होंने फ़िश पकड़ी है, ये देखें कौन सी फिश है ये. थैंक यू. ओह वाह, ये सादी नहीं है मेरे ख्याल में. ये देखें ये फ़िश यहाँ से पकड़ते हैं लोग और ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं. देखें कैसे करते हैं. ओके या दैट्स गुड, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच. लोग मुझे नहीं पता फेरी में क्यों जाते हैं. ये मेरे ख्याल में 5-6 मिनट की वॉक है इस पुल से. ज़ाहिर है इसकी इन्जॉयमेंट है, एक मज़ा है उसका भी. एक छोटी सी एक फेरी है आपको ये दरिया पार करा देती है. तो आपके ऑप्शन है बाय ट्राम भी आ सकते हैं यहाँ पे और फेरी से भी क्रॉस कर सकते हैं, प्लस आप जो है बाय वॉक एशिया यूरोप. आज रात के बज रहे हैं 10 और मैं हूँ इस्तक्लाल स्ट्रीट इस्तांबुल में. तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल सामने गली है. बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ी फुटफॉल है यहाँ पे और सब इंजॉय कर रहे हैं. नाइट लाइफ यहाँ की, नाइट लाइफ बहुत ज़बरदस्त है इस्तक्लाल स्ट्रीट और तकसीम स्क्वायर. ये है तकसीम स्क्वायर. तकसीम स्क्वायर बहुत मशहूर है अपनी बिजी नाइट लाइफ, शॉपिंग और फूड स्ट्रीट की वजह से.
इसे कहते हैं जदीद इस्तांबुल का दिल। जी यहाँ दो चीजें बहुत अच्छी लगी, एक ओल्ड स्टाइल नॉस्टैल्जिक ट्राम्स और दूसरी इस्तक्लाल स्ट्रीट जिसमें हजारों लोग नाइट लाइफ के मजे ले रहे थे। भाई ये स्ट्रीट खत्म ही नहीं हो रही, चलते जाओ बस ये स्ट्रीट चलती जा रही है और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये स्ट्रीट जो है वो और ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है। आगे है क्या समझ में नहीं आ रहा है, जाके देखते हैं। आज मैं हूँ सिमित वाला, हाउ मच इज़ इट, 2.5 लेरा, ढाई लेरा का है ये सिमित। एनीवन वांट टू बाय, इट्स नाइस, वेरी नाइस। सिमित इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेड, न्यूटेला के साथ आप खा सकते हैं, इसके अलावा आप चीज़ के साथ सादा भी खा सकते हैं और बहुत मज़े का होता है, सिसमी सीड्स होते हैं इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, ठीक है, थैंक यू। यस, वेलकम टू ब्लू मॉस्क। ये है तुर्की की सबसे अट्रैक्टिव मॉस्क, ब्लू मॉस्क सुल्तान अहमद मॉस्क। ये सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क में इसमें मौजूद हूँ। ये 1606 यानी कि 1606 से 1616 तक ये मॉस्क बनी है, अंटिल आई सोफिया पहले बनी है इससे, और ये ऑटोमन एम्पायर की बहुत बड़ी एक तरीके से मस्जिद है, उनकी निशानी है ये, जब तक यहाँ पे उस्मानिया सल्तनत होती थी। ये जो है ये ब्लू मॉस्क हो गई और ये इसका रास्ता जा रहा है और सामने जो है ना आई सोफिया है। ये भैया हाइस सोफिया, आई सोफिया इसको कहते हैं टर्किश में, और ये हागिया सोफिया जो ये एक चर्च था 500 सेंचुरी का, ये बना हुआ बहुत खूबसूरत चर्च, और इस टाइम जो है ये मॉस्क है, मस्जिद है। बहुत हिस्ट्री है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कसीर हिस्ट्री से बना हुआ है ये। 2020 में ये दोबारा से हागिया सोफिया मॉस्क बन गई है, फर्स्ट टाइम आफ्टर 1935 के बाद इसके अंदर अजान हुई लास्ट ईयर 2020 में, और यह मॉस्क बन चुका है। लेकिन इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है, कभी मॉस्क कभी चर्च, कभी मॉस्क कभी चर्च। सो ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त। ये है हागिया सोफिया, 537 हिजरी में तामीर हुआ कैथीड्रल और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के दौर का सबसे बड़ा चर्च था। 1204 और 1261 के दौरान लैटिन एम्पायर के दौर में ये शहर का सबसे बड़ा लैटिन कैथोलिक कैथीड्रल बन गया। 1453 में उस्मानिया सल्तनत के दौर में ये एक जामा मस्जिद बन गई। 1935 में इसे एक म्यूजियम बना दिया गया और फिर 2020 में इसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, और अब इसका ऑफिशियल नेम है द होली हागिया सोफिया ग्रैंड मॉस्क। जी मैं सुल्तान अहमद के एरिया में वॉक कर रहा हूँ, चंबड़ली स्टेशन एक है, अब मैं जा रहा हूँ ग्रैंड बाज़ार, पैदल जा रहा हूँ। दो स्टेशन है, सुल्तान अहमद, चंबड़ली और ग्रैंड बाज़ार, ये पूरा एरिया है, और देखते हैं ग्रैंड बाज़ार में क्या है। सुल्तान अहमद का एरिया मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप कंपेयर करें तकसीम से या इस्तक़लाल स्ट्रीट से, कल्चर और ट्रेडिशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बड़े नाइस लोग हैं। ग्रैंड बाज़ार तक मैं वॉक कर रहा हूँ और ये देखें ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, दो स्टेशन का फासला था, मेरे पास कार्ड हैगा लेकिन मैंने थोड़ा वॉक करते हैं, मैं इधर तक वॉक करके आया नहीं था, तो मुझे अच्छा लग रहा है एरिया, देखते हैं आगे चल के ग्रैंड बाज़ार में। अब जब यहाँ पर आएंगे ग्रैंड बाज़ार में तो यहाँ पे आपको एंटीक चीज़ों की दुकानें मिलेंगी, ये देखें इस टाइप की, ये है असल इसकी जो स्पेशलिटी है ग्रैंड बाज़ार की। ब्रांड तो आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं बाहर जाके, लेकिन जो मेन चीज़ जो है वो ये ट्रेडिशनल चीज़ें, इनकी जो गैजेट्स हैं और कालीन हैं, चादरें हैं और तलवारें हैं, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि ज़बरदस्त है। यह है दुनिया का सबसे पहला शॉपिंग मॉल ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल। 1455 में उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान मेहमद ने इसे तामीर करवाया
ताकि यहाँ से जो प्रॉफिट आए वो हागिया सोफिया मॉस्क में इस्तेमाल हो सके। बहुत सारी दुकानें इधर, मेन चीज़ जो है आपको वीडियो बनाने से पहले आप मालूम कर लें दुकानदार से कि इजाज़त दें आप तो यहाँ पे, लेकिन बुरा मानते हैं अगर आप बगैर इजाज़त वीडियो बनाना शुरू कर दें। और बड़े इजी, कुछ लोग मना कर देंगे, कुछ लोग बोलेंगे आप बना लो, कोई मसला नहीं है इतना। हैंड में कारपेट वेरी वेरी गुड प्राइस। कारपेट ये ईरानी कारपेट है, ईरानी कारपेट तुर्किश, दे आर तुर्किश, सारे तुर्किश है। हर चीज़ का दो नंबर मौजूद है यहाँ पे। लकोस चाहिए आपको, टॉमी हिलफिगर चाहिए, बड़े से बड़ा ब्रांड नेक्स, रिवर आइलैंड, एडिडास, नाइकी, लेकिन जो लोकल जिनके कोट पैंट वगैरह यहाँ पे टंगे हुए हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सूट है। मुझे नहीं पता कितने कितने के सूट है। तो ग्रैंड बाज़ार को कहते हैं अलविदा, कहीं और चलते हैं। इसमें जहाँ मौजूद हूँ अभी, मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, इसका नाम है सुलेमानिया। सुलेमानिया इतनी खूबसूरत जगह है, ये बहुत मशहूर है अपनी सनसेट के लिए। अगर आपने वाकई में सनसेट देखना है इस्तांबुल तुर्की में तो आपने क्या इधर आना है। इधर बहुत सारे टेरिस कैफ़े हैं इधर मौजूद, और टेरिस कैफ़े में आप मज़े मज़े की कॉफ़ी, शीशा, चाय वगैरह ले सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है ना वो है ये, ये आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो है ये सुलेमानिया मॉस्क है यहाँ पर, ये सुलेमानिया का एरिया है। सुलेमानिया मशहूर है अपने टेरेस की वजह से, और इधर जो है लोग सनसेट के लिए आते हैं, इस व्यू को एंजॉय करते हैं। आप देखें तो पुल वगैरह सब कुछ नज़र आ रहे हैं। मेरी मोई तो आ गई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये पी के देखते हैं कैसा है। दूसरा बस यही कि यहाँ पर ये जो जगह है बस ये इंजॉय करने के लिए। ग्रैंड बाज़ार जो है वो उसके अंदर से रोड गुजर रहा है, एक बेज़ का एरिया है ये, उसमें से आप अंदर आएंगे सुलेमानिया के लिए। सामने से आप सिटी सेंटर भी देख सकते हैं, गलाटा टावर भी देख सकते हैं, और पीछे ब्लू मॉस्क भी देख सकते हैं, पूरा सिटी आप देख सकते हैं, गलाटा ब्रिज भी नज़र आ रहा है वहाँ से। क्या चाहिए और, बहुत मज़े का है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, आप कुछ और इंजॉय करें। Nasıl sevdiğimi haydi söyle, rüyalarda gördüğümü haydi söyle.